यूपी के फिरोजाबाद के यमुना किनारे माँ बिहरवाली का यह मंदिर काफी चमत्कारिक है। इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। वहीं भक्तों का कहना है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से माथा टेकता है उसकी सरकारी नौकरी भी लग जाती है। यहां दर्शन के लिए यूपी समेत महाराष्ट्र, राजस्थान व दिल्ली तक के लोग यहाँ आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। आपका? मेरा नाम सुभाष है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव सहंगी से हूँ। अच्छा, क्या यहाँ चमत्कार रहते हैं मैया के? कौन सा मंदिर है ये? ये माँ बिहरवाली का मंदिर है। जो भी यहाँ आया है उसकी मतलब 100% नौकरी लगी है, जॉब में सेलेक्ट हुआ ही हुआ है। आपकी नौकरी किस में थी? मैं कुमाऊँ रेजिमेंट में था। कैसे लगी थी आपकी नौकरी? इससे पहले मैंने सोचा भी नहीं था कभी, लेकिन जब से मैं माता पे आना स्टार्ट हुआ तब से मेरे अंदर एक ऐसी हुई कि मैं फौज में भर्ती हो सकता हूँ। तो मैं पूरा श्रेय माँ बेड़वाली को ही देता हूँ और मैं बेड़वाली माता की कृपा से ही, जो आर्मी में भर्ती हुआ था सिर्फ माँ बेड़वाली की कृपा से ही हुआ था। यहाँ आने वाले सभी लोगों की नौकरियाँ ऐसा मान्यता लग जाती है? जो भी माता के दर्शन एक बार जिसने भी किए हैं उसकी 100% जॉब लगा है। अमोद सिंह एडवोकेट हूँ। कहाँ रहते हैं? गांव सिकेरा से हूँ। अच्छा, कितना पुराना मंदिर है? अब इसके बारे में तो अब हम छोटे छोटे तभी से हम आ रहे हैं, या 4-5 में पढ़ते थे तब से हमें याद है कि एक छोटा सा मंदिर था माँ बिहरवाली का। अब जो तो नया बना है, अभी 4-5 साल पहले बना है। इससे पहले एक मंदिर था और बगल में एक कुआ था पानी का, यहाँ से हम लोग पानी पीते थे। पानी की व्यवस्था भी नहीं ठीक थी यहाँ, तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने और गांव के लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की, पानी की, सड़क की। वही सड़क भी नहीं थी, पैदल आते थे हम लोग। अब तो बहुत माता की कृपा है, भक्तों की कृपा है, सारे लोग आ रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। सच्ची श्रद्धा से जो आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा सुना है और देखा भी है। माँ के बारे में मतलब अनुभव किया है हम लोगों ने कई बार। ऐसे हम लोगों में संकट आए तो हमने माँ बेड़वाली की आराधना की और उनका ध्यान दिया, तो हमारे जो समस्याएं वो सॉल्व हुई। नौकरी को लेकर के यहाँ क्या रहता? और नौकरी को मैं समझता हूँ, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। गांव में हमारे क्षेत्र में इतने सारे बच्चे हैं और सारे आर्मी में हैं, टीचर हैं, पुलिस में भी सेवाएं दे रहे हैं, सारे बॉर्डर्स पे दे रहे हैं और किसी के साथ कोई माता की कृपा से आज तक किसी कोई भी हादसा नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में यहाँ पर। और सारे लोग अच्छे हैं, सब छुट्टी लेके आते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि छुट्टियां लेके आते हैं नवदुर्गा में और बहुत मेहनत करते हैं माता के। क्या चढ़ाया जाता है यहाँ, किस तरीके से पूजा होती है? पूजा तो अपनी अपनी श्रद्धा है। वैसे यहाँ रेवड़ी और यही ज़्यादा चलती हैं, चूँकि भाई वैसी दुकानें तो है नहीं यहाँ मिठाई मिठाई की, चूँकि अभी तो चलो डेवलप होगा। आगे आने वाले लोग शहर से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो अपने अपने श्रद्धा है। कोई मिठाई लाता है, कोई फल ला रहा है, कोई जैसी जिसके पास श्रद्धा है। कहाँ कहाँ तक के लोग आते हैं? अब ऐसे तो आंकलन होगा नहीं, बहुत दूर दूर से आते, हम तो पहचानते नहीं है कि कहाँ से जो लोग आ रहे हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं। यूपी से तो ज़्यादातर लोग ये एमपी से, राजस्थान भी बगल में है तो वहाँ से भी आते हैं शायद। अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे रिश्ता है। हमारे बगल में गुजरों के गाँव हैं तो उनकी रिश्तेदारियाँ हैं राजस्थान में, एमपी में, तो उनके भी रिश्तेदार आ रहे हैं, मिलने वाले आ रहे हैं। तो वैसे तो आंकलन है नहीं कि मतलब कहाँ से, पब्लिक तो बहुत आ रही है और जब आ रही है उनकी मनोकामनाएं पूरी रह रही तभी लोग आ रहे हैं।